मुआवजा राशि लेने के बाद भी बेगमबाग के रहवासी मकान खाली करने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को सूचना देने पहुंची राजस्व की टीम के सामने रहवासियों ने विरोध किया। महाकाल मंदिर विस्तार के लिए बेगमबाग के रहवासियों को हटाया जाना है। इसके लिए बेगमबाग के 250 परिवारों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। 37 परिवारों को राशि प्रदान भी कर दी गई है। शुक्रवार को तहसीलदार अभिषेक शर्मा, नायब तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी, नायब तहसीलदार मूलचंद जुनवार 37 परिवारों को मकान खाली करने के मैसेज देने पहुंचे तो रहवासियों ने नई मांग रख दी। अब उनको 3 लाख नहीं 7 लाख रुपए चाहिए। अरे दूर दूर ही खड़े अब अभी आपके ऑप्शन क्या होगा? देखो महाकाल पे कुछ वहाँ पे प्लाट हटाए गए, वहाँ पे बाकी वहाँ पे अच्छा मुआवजा दिया गया और खुशी खुशी खाली करा इन्होंने। अब हम लोगों को 3-3 लाख रुपए दे रहा है, 3-3 लाख रुपए में आजकल। जिला प्रशासन द्वारा बेगमबाग के 250 परिवारों को बेगमबाग क्षेत्र से हटाने के एवज में प्रत्येक परिवारों को 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रारंभिक रूप से उक्त कुल राशि 7,50,00,000 रुपए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से दिए जा रहे हैं। उक्त राशि का समायोजन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा कर दिया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में भी सभी 250 परिवारों को मल्टी में फ्लैट दिए जाने की योजना थी, किंतु सभी परिवारों द्वारा मल्टी में न जाते हुए 3-3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि लेने पर सहमति प्रदान की गई। कुल 37 परिवारों को राशि उनके खातों में जमा करवा दी गई है और वे 25 जून से अपने मकानों को हटाना प्रारंभ कर देंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने यह जानकारी देते हुए शेष सभी परिवारों से आग्रह किया है कि वे आगामी 3 दिवस में अपने बैंक खातों की डिटेल व अन्य जानकारी नगर निगम के संबंधित अधिकारी को तुरंत प्रस्तुत करें।